हर हर महादेव। हमने स्नान कर लिया है। आप सभी ने उज्जैन महाकाल की नगरी के बारे में सुना होगा और दर्शन भी किए होंगे। उज्जैन से कैसे आप श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप सबसे पहले उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद आप श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए कैसे पहुंचेंगे। श्री ओमकारेश्वरम ज्योतिर्लिंग यहां से उज्जैन शहर से 140 किलोमीटर दूर है और इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको उज्जैन के रेलवे स्टेशन के पास से बसें मिल जाती हैं। सुबह जल्दी जाओगे तो आपको यहां से रोडवेज बस मिल जाती है, लेकिन पूरी दिन आपको सुबह से शाम तक आपको बसें यहां पे मिल जाती है। यहां से अगर आपको डायरेक्ट बस ना मिले तो आप यहां से इंदौर के लिए बस ले लें और इंदौर से फिर आपको बहुत सारी बसें श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए मिल जाएगी। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदी के किनारे में बसा हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे अनूठी बात है कि ये दो स्वरूपों में है, एक ओमकारेश्वर एक मंगलेश्वर। और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर नदी के इस साइड में है और ममलेश्वर मनर्मदी के दूसरी साइड में। अगर आप यहाँ रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ओमकारेश्वर का सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है रतलाम इंदौर खंडवा रेलवे लाइन पर ओमकारेश्वर रोड के नाम से बना हुआ है। यहाँ मंदिर से महज 12 किलोमीटर की दूरी है। अगर आप यहाँ बस से जाना चाहते हैं तो 170 रुपये किराया लगता है रोडवेज का, वो आपको सुबह सुबह ही मिलेगी और आप आसानी से खंडवा पहुँच सकते हैं श्री ओमकार ज्योतिर्लिंग। अगर आप बस आपको 5 से 6 घंटे के आसपास आपको यहाँ पर पहुँचा देती है। इंदौर तक जो रास्ता है वो बिल्कुल सही है, बढ़िया रोड है। और इंदौर के बाद कुछ जगह ऐसी आती है पहाड़ियाँ है, चढ़ाई है, खाई है, लेकिन बहुत ही दुर्गम रास्ता आता है। कुछ किलोमीटर के बाद आपको इंदौर से और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक आपको लगभग 4-5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत स्लो चलता है यहाँ पे। प्राइवेट बस चलती है छोटी छोटी और टाइम टू टाइम चलती है। ये देखिए वो दुर्गम रास्ता आप जो देख रहे हैं, ये दुर्गम रास्ता आता है इंदौर और ओमकारेश्वर के बीच में। कितनी नीची नीची खाइयाँ हैं और दुर्गम रास्ते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा धीमी ट्रैफिक होती है। रोड भी यहाँ पे सकरा है। बड़ा सुंदर नज़ारा है ये जो बीच में आप देख रहे हैं, कितना सुंदर नज़ारा है। बारिश के मौसम में यह बिल्कुल हरा भरा हो जाता है, देखने में एकदम बहुत ही सुंदर लगता है, जैसे माँ वसुंधरा ने हरी चुनरी ओढ़ ली हो ऐसा लगता है। यहाँ पे ये सिंगल रोड है और यहाँ पे ट्रैफिक बड़ी धीमी चलती है, लेकिन इस यात्रा का एक अनोखा ही आनंद है। ये एक यही रास्ता है, यही हाईवे है इंदौर से ओमकारेश्वर जाने के लिए। और ये थोड़ा काफ़ी जगह पे जंगल है, पहाड़ है, थोड़ा दुर्गम रास्ता पड़ता है ये, लेकिन बहुत ही आनंदमय, बहुत ही रोचात्मक रास्ता है ये। अगर
अगर आप इंदौर से रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर आपको सरवटे नाम के बस स्टैंड पर पहुँचना होता है, और यहाँ से आपको ओमकारेश्वर के लिए हर आधे घंटे में बस मिल जाती है। इंदौर से आपको हर आधे घंटे में बस मिल जाती है यहाँ से, लेकिन उज्जैन से टाइम टू टाइम बस चलती है, इसलिए आप उज्जैन में पूरा दर्शन करने के बाद कोई बस पकड़ लो इंदौर के लिए, और इंदौर से आप ओमकारेश्वर बड़ी आसानी से पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये ओमकारेश्वर का बस स्टैंड है, देखिए आप कितना लंबा चौड़ा है। यहाँ पर ज़्यादा बसें नहीं होती, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, आपको सामने देखो टैक्सी भी मिल जाती है, यहाँ टैक्सी करके भी आप पहुँच सकते हो इंदौर और उज्जैन टैक्सी से। बोले टैक्सी का किराया बहुत महंगा पड़ता है, तो आप बस से भी जा सकते हैं, प्राइवेट बसें चलती हैं यहाँ पर, देखिए बसें खड़ी हुई है बस स्टैंड पर। ये सुबह 12:30 बजे बस निकलती है, एक सुबह 8 बजे निकलती है, ऐसे बसें टाइम टू टाइम निकलती है। टाइम से आप निकलोगे तो आप पहुंच पाओगे, क्योंकि बीच में जो 80 किलोमीटर का रास्ता होता है, थोड़ा आपको दिखाया हमने, बड़ा दुर्गम है ये बस स्टैंड है यहाँ का ओमकारेश्वर का। और ये आश्रम है ओमकारेश्वर में, ओमकारेश्वर बिल्कुल पास पड़ता है, यहाँ पर आप कैसे रुक सकते हैं, क्या क्या आपको सुविधा मिलेगी, ये सब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब हम ओमकारेश्वर आ चुके हैं, अगली वीडियो के लिए।